बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फाइल पॉइंटर एफ ओपन फंक्शन और एफ क्लोज फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फाइल मोड्स की डिटेल आपको बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप एफ ओपन फंक्शन को यूज करते हैं तो वहाँ आप दो तरह के पैरामीटर्स को पास करवाते हैं, फाइल नेम और फाइल मोड। तो यहाँ मोड से क्या मतलब है दोस्तों? मोड से मुराद है कि जो फाइल आप हार्ड डिस्क से ला रहे हैं उस फाइल पर आप किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, करवाना चाहते हैं। तो यहाँ सी आपको कुछ मोड्स प्रोवाइड करती है। और ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको मोड्स नजर आ रहे हैं, ये वो तमाम मोड्स हैं जो आप एफ ओपन फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करवा सकते हैं। अब आइए वन बाय वन जानते हैं कि ये मोड किस तरह काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे पहला मोड है वो है आर मोड, जो कि फाइल को रीड करने के लिए यानी फाइल में से डाटा को निकालने के लिए यूज होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर आपका ये एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करेगा और इस तरह फाइल पॉइंटर में भी नल आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जहां हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने सबसे फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर किया, उसके बाद एफ ओपन फंक्शन लिखा, और एफ ओपन फंक्शन में आप गौर करें तो हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, f2.txt जो कि हमारा फाइल नेम है और दूसरा पैरामीटर है मोड। तो यहाँ पर हमने r मोड को यूज किया है जो कि ये बताएगा कि ये जो आपका यूजर है ये इस f2.txt फाइल को रीड करना चाहता है, यानी इसमें से डाटा को निकालना चाहता है। इसके बाद दोस्तों, हमने इस f ओपन फंक्शन को असाइन कर दिया इस fp को, यानी इस f ओपन फंक्शन से जो एड्रेस आएगा इस फाइल का वो हमने असाइन कर दिया fp को। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये फाइल मौजूद नहीं होगी, यानी ft f2.txt मौजूद नहीं होगी, तो आपका जो f ओपन फंक्शन है वो भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसको फाइल ही नहीं मिलेगी, तो उसका एड्रेस कहां से होगा? तो इसीलिए इस fp में नल आ जाएगा अगर तो ये f2.txt फाइल मौजूद ही नहीं होगी हार्ड डिस्क में। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि इफ fp equals to null, यानी अगर fp के अंदर नल है विच मीन्स कि ये फाइल मौजूद नहीं है, तो फिर ये प्रिंट कर दे फाइल नॉट एग्जिस्ट। और आखिर में हमने यहाँ पर लिखा है एग्जिट, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर ये कंडीशन के अंदर आ जाता है तो ये एग्जिट का फंक्शन फोर्सफुली यहीं पर ही आपके प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। अब दोस्तों, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये देखिए कि हमने रन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फाइल नॉट एग्जिस्ट। यानी दोस्तों, ये जो फाइल आप रीड करना चाहते हैं आपके कंपाइलर ने बताया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये तो मौजूद ही नहीं है। तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर आप फाइल में से डाटा को निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पर आर मोड लिख रहे हैं, तो फाइल का होना भी तो जरूरी है। अगर फाइल होगी तभी तो आप उसमें से डाटा को रीड कर सकेंगे। दोस्तों, आर मोड के बाद आप यहाँ पर मोड के अंदर W भी लिख सकते हैं, और W से क्या मुराद है? W मोड इज यूज्ड टू राइट इन अ फाइल, क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज इरेज द ओल्ड कंटेंट ऑफ द फाइल एंड ओपन एज अ ब्लैंक फाइल। दोस्तों, W से मुराद है कि आप फाइल में डाटा को राइट करवाना चाहते हैं, उसमें मजीद कुछ डाटा को डालना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ ये फाइल मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या होगा? जिस तरह से अगर आप यहाँ पर गौर करें तो फाइल मौजूद नहीं थी तो आपका जो एफ ओपन फंक्शन था उसने एफ पी को नल रिटर्न किया था, यानी उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं आया था, तो उसने एफ पी को भी कोई एड्रेस नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई फाइल नेम लिखते हैं और यहाँ पर मोड के अंदर डब्ल्यू लिखते हैं, और अगर ये फाइल हार्ड डिस्क में मौजूद नहीं भी है, तो अब आपका एफ ओपन फंक्शन एक फाइल को खुद ही से क्रिएट कर देगा। यानी यहाँ पर ये नहीं बोलेगा ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो खुद से एक फाइल को क्रिएट कर देगा, और क्रिएट करने के बाद आप उस पर जो भी कुछ राइट करवाना चाहते हैं वो राइट कर देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी ये फाइल जो कि आप यहाँ पर फाइल नेम आपने लिखा है वो पहले से भी मौजूद है और फिर आपने यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, तो फिर वो सबसे पहले उस फाइल में अगर कोई डाटा मौजूद है उसको इरेज कर देगा, खत्म कर देगा, और फिर आप नए सिरे से उसके ऊपर डाटा डालेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो W है ये मोड काम करता है। इसके बाद दोस्तों है A मोड। A मोड से मुराद है अपेंड। दोस्तों, ये जो अपेंड मोड है, ये जिस फाइल का नेम आपने F ओपन फंक्शन में दिया है उस फाइल के अंदर अगर पहले से डाटा मौजूद भी है तो फिर आगे से डाटा को इंसर्ट करता है। यानी जब आप अपेंड लिख देते हैं तो फिर अगर यहाँ पर आपने कोई फाइल नेम लिखा है जिसमें डाटा मौजूद है, तो
जहां से वो डाटा एंड हो रहा है वहां से डाटा को इंसर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर मान लें यहाँ भी ये फाइल मौजूद नहीं है और आपने मोड में ए लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये भी फाइल को क्रिएट करेगा और क्रिएट करने के बाद फिर जो डाटा आप उसमें डालेंगे वो अपेंड करता जाएगा, उसके अंदर डालता जाएगा। के बाद दोस्तों ए मोड के बाद है अपेंड मोड के बाद है आर प्लस मोड। दोस्तों आर प्लस मोड के माने हैं रीडिंग प्लस राइटिंग मोड, यानी अब अगर आप सिर्फ आर लिखते थे, यानी जब हम सिर्फ आर लिखते थे और आर लिखते वक्त लिखने के बाद अगर आप अपनी फाइल में गलती से कुछ राइट करवाना चाहते हैं, यानी मोड तो आपने यहाँ पर आर लिखा है लेकिन आप काम जो है वो राइट का करवाना चाहते हैं, आप डाटा को निकालने के बजाय स्टोर करवाना चाहते हैं, तो फिर आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आपने रीड करना है राइट नहीं करना। लेकिन दोस्तों इस आर प्लस मोड के जरिए आप एक ही वक्त में फाइल में डाटा को डाल भी सकते हैं और यानी फाइल में डाटा को राइट भी करवा सकते हैं और फाइल में से डाटा को रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद है डब्ल्यू प्लस मोड। दोस्तों जिस तरह आर प्लस मोड में भी आप रीडिंग और राइटिंग कर सकते थे फाइल पर, इसी तरह से डब्ल्यू प्लस मोड के अंदर भी आप फाइल में से डाटा को रीड भी कर सकते हैं और फाइल में से डाटा को राइट भी कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों है ए प्लस मोड। दोस्तों ए प्लस मोड जो है इससे मुराद है अपेंड प्लस रीडिंग, यानी आप एक फाइल में जिसमें डाटा मौजूद है और उसमें आप मजीद डाटा डालना चाहते हैं तो आप अपेंड मोड को यूज करेंगे, और अगर आप साथ के साथ उस फाइल के डाटा को रीड भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने मोड में ए प्लस लिखा होगा। तो डियर फ्रेंड्स ये थे कुछ मोड्स ऑफ फाइल्स जिसके जरिए आप ये बताएंगे कि आप इस फाइल को आप हार्ड डिस्क में से लेकर आ रहे हैं उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम करेक्टर आयो फंक्शन, यानी इस एक फाइल पर आप कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें हम एफ गेट सी और एफ पुट सी की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।